तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र मॉडल पेपर के बारे में। तो जो आज का वीडियो है दोस्तों वो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर का है। तो आज किस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ और साथ साथ में मैं आप लोगों का जो मॉडल पेपर है जो कि पिछले ईयर में ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इन्फॉर्मेशन दोस्तों ये है कि ये बीएस अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी बीए फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, हिंदी हिस्ट्री और समाजशास्त्र है ना, तो ये सब मैंने फर्स्ट ईयर के सब अपलोड की थी वीडियो मॉडल पेपर की। तो बहुत सारे स्टूडेंट के भी कमेंट आ रहे थे कि सर बीए सेकेंड ईयर का भी बनाइए, तो मैंने सोचा आज के वीडियो में बीए सेकेंड ईयर की बात करते हैं। और मैं अभी हिंदी का लाया हूँ, इसी तरह धीरे हिस्ट्री का और फिर सोशल साइंस, सोशल आप लोगों को मिल जाएगा सोशल साइंस, और फिर धीरे धीरे जो भी पॉलिटिक्स साइंस है धीरे धीरे मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आप भी किसी जैसे कि बीए बीएससी बीकॉम के आप स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी का मॉडल पेपर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में आप बताइएगा। और इस मॉडल पेपर के क्वेश्चन के आगे से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो बीए सेकेंड ईयर है उसमें जो प्रश्न होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट ईयर है उसमें आप लोगों को मल्टीपल क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा, चार ऑप्शन रहेंगे, टिक करना होगा, लेकिन इसमें आप लोगों को लिखना होता है। जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है, ठीक है। तो सभी सभी जितने भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं आपके इंडिया में, तो सभी यूनिवर्सिटी के रूल्स जो हैं अलग अलग हैं, ठीक है। किसी में क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होते हैं और जो पूर्णांक होता है यानी मार्क्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा पूर्णांक 70 का, किसी यूनिवर्सिटी में 100 का पूर्णांक भी होता है यानी कि 100 का 100 नंबर के भी क्वेश्चन होते हैं। तो जिसका भी जो भी यूनिवर्सिटी है आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो सारे क्वेश्चन मैं आज किस वीडियो में बताने वाला हूँ मॉडल पेपर के बारे में सब आपके एग्जाम में आने वाले हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को मैं बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पद्यांशों की संप्रसंग व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को 21 नंबर का है यानी कि आप लोगों के जो नंबर हैं एक जो क्वेश्चन होगा आप लोगों का कितने का, 7 नंबर का होगा, ठीक है, इसलिए 3×7 कर दिया गया, ठीक है। तो आप लोगों को व्याख्या करनी है, पहला है का नंबर है, सभी जात कट दुख की दुपट्टी कपट न रहो जहाँ तय ए घटी, ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा पंचोटी तक, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों को मालूम ही होगा खा नंबर, ये तो बहुत ही जनरली क्वेश्चन है, 10th से 12th तक आपके बीए में भी आ गया है। नर पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासी है काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल, किसका है ये, किसके द्वारा रिटन किया गया है, किसने लिखा है, इसे मालूम होगा आप लोगों को क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत दिन से चला आ रहा है। इसी तरह के आप लोग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोहा रहेंगे, उसके आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है, किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है। संदर्भ तो इजी हो जाएगा, थोड़ा आप लोगों को व्याख्या में ध्यान देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये होगा 21 नंबर का है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा, दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, थोड़ा बैक आ जाता हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है 10 नंबर का है। इसमें आप लोगों को दो क्वेश्चन मिलेंगे अथवा अथवा करके। तो पहला क्वेश्चन है आचार्य केशवदास की अलंकार योजना की समीक्षा कीजिए, तो इसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन ये दिखेगा उसके बाद अथवा, जैसे ये नहीं आ रहा आपको दूसरा आ रहा है घनानंद के काव्य में भाव संदर्भ के साथ साथ अनुभूति सौंदर्य भी उत्कृष्ट हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो जो आपको आ रहा है वो कर दीजिए इसमें से, लेकिन एक ही करना है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं ना दोनों कर देते हैं, दोनों नहीं करना है, आपको नंबर एक ही का मिलेगा, तो एक चाहे ऊपर वाला कर दीजिए, सॉरी मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे ये वाला कर दीजिए क्वेश्चन और चाहे ये करिए, ठीक है, ये वाला, दोनों में से एक करना है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, आप में से सोच रहे होंगे सर ये सारे क्वेश्चन आप हमें PDF में दे देते PDF फॉर्मेट में, तो मैं आप लोगों को बता दूँ ये PDF फॉर्मेट में, लास्ट में बताऊंगा आप लोग PDF फॉर्मेट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सारे में PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर है, 3 नंबर देख सकते हैं आप,
तीन नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये है कि तीन नंबर बिहारी सत्सई का भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से विवेचना कीजिए। उसके बाद अथवा में है रीतकालीन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें से भी आप लोगों को एक क्वेश्चन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतकालीन प्रमुख काव्य धाराओं का परिचय दीजिए। तो रीतकाल के जो प्रमुख काव्य हैं उन धाराओं का परिचय करना है। अथवा दूसरा क्वेश्चन है इसमें आचार्य महाकवि मतिराम के काव्य संदर्भ को स्पष्ट कीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन करना। ठीक है, ये सब क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को कहाँ मिलेगा? आप लोगों ने सीरीज नहीं खरीदी है तो मार्केट में कंफर्म कर लीजिए, अपने आ गई होगी तो परचेज कर लीजिए, उसमें सारे क्वेश्चन पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए। और ऑनलाइन भी आप इसे सर्च कर लीजिए तो आप लोगों को ऑनलाइन गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आचार्य भरत द्वारा निरूपित नायकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अथवा करके ये भी आप कर सकते हैं रस सूत्र वाला ऑप्शन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में से आप लोगों को एक कर देना, नौ नंबर का ये भी है आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। देखो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें चार पांच ऑप्शन देने दिए होते हैं, उसमें से जिसमें से दो तीन पे आप लोगों को टिप्पणी लिखनी होती है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को पाँच ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से तीन पे आप लोगों को टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी बहुत ही आसान है, अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आई होप दस नंबर का है तो आप लोगों के आठ नौ नंबर कहीं भी जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसमें पांच ऑप्शन होते हैं और करना आप लोगों को दो ही रहता है, एक दो तीन चार, और आप लोग चार हैं। ठीक है, चार में से आप लोगों को दो करना है तो आई होप दो तो आप लोगों को कर ही लेंगे, अच्छे नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। तो कुल मिला के आप अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो। दोस्तों मैंने शायद सारे प्रश्न पत्र के क्वेश्चन बता दिए हैं और मैं डेली आप लोगों को एक क्वेश्चन पत्र प्रोवाइड करूँगा। जैसे कि आज हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र था, मैं कल आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा सेकेंड प्रश्न पत्र। आप लोग क्लासेस ज्वाइन यानी कि आप लोग वीडियो क्लासेस देख लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वीडियो। और अब बात आती है कि पीडीएफ कहाँ पे डाउनलोड करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट का अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहाँ पर आपको बीए बीएससी बीकॉम से रिलेटेड मॉडल पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वेबसाइट की। ठीक है, आप गूगल पे ऐसे भी सर्च कर सकते हैं संदीप मौर्य इन्फो डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। ठीक है, लिंक फिलहाल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।